स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर नंबर 8। हाँ जी, तो इससे पहले चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। उसका क्या मतलब कि मार्जिनलाइजेशन क्या था, हमने वो पढ़ा। अब उसका सामना कैसे करना है वो पढ़ेंगे। मतलब कि पहले हमने इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे यहाँ कोई समस्या, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे सोसाइटी में। तो अब हमने समझ लिया, हाँ भैया एक प्रॉब्लम तो है। अब उस प्रॉब्लम का सामना करना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और बड़ी ही टफ चीज़ है कह सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम तो सब बता सकते हैं, भाई तुम्हें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है, उसको फेस कैसे करना है। कन्फ्रंटिंग का मतलब फेस करना होता है, ठीक है। फेस करने का मतलब है उसके सॉल्यूशंस वगैरह कैसे निकालने हैं, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम लोग को पढ़ने में, कहानी जैसा पढ़ेंगे मस्त, ठीक है। पहले देख लेते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इनवोकिंग द फंडामेंटल राइट्स देखेंगे भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो इन्हीं ग्रुप्स के लिए हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। दलित्स एंड आदिवासी क्या था, हमने पहला पढ़ा था। आदिवासी क्या, ट्राइबल्स, और दलित क्या है, लो कास्ट वाले, मतलब कि जो नीची जात, जो कि मुझे बहुत बेकार लगते हैं शब्द, उसमें आते हैं। एस सीज एंड एस टीज एक्ट 1989, एक ऐसे एस टी एक्ट आया था, एस सी शेड्यूल कास्ट, एस टी शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी डिमांड एक्ट 1989, ये भी ठीक है। चलो जी, हाँ जी, पहले क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था, मार्जिनलाइजेशन। हाँ, मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन, पूरा चैप्टर पढ़ा इसके बारे में पूरा हिस्सा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिविक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पर विजिट करना, सिविक्स क्लास 8, उसमें चैप्टर नंबर 7 है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ाया। वैसे एक शॉर्ट में डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मार्जिनलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय समथिंग और समवन इज पुश्ड टू द एज ऑफ अ ग्रुप एंड अकॉर्डेड लेसर इंपॉर्टेंस। मतलब कि मार्जिनलाइजेशन का एक मतलब है, जिसके एक प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ को या किसी को भी किसी लोग को या किसी ग्रुप को कोने में भेज दिया जाता है और उन्हें बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। अब वो जानबूझ के कर दिया जाए वो, या फिर वो धीरे धीरे खुद साइड हो जाते हैं, ये बात की बात है। दिस इज प्रीडोमिनेंटली अ सोशल फिनोमिना बाय विच अ माइनॉरिटी और अ सब ग्रुप इज एक्सक्लूडेड एंड देयर नीड्स और डिजायर्स इग्नोर्ड। मतलब कि अगर किसी माइनॉरिटी को आप साइड कर दे रहे हो, मार्जिन पे ला दे रहे हो, तो फिर उससे क्या होगा कि उनको पूरी सोसाइटी से अलग कर दिया एक, तो फिर उनके नीड्स और डिज़ायर्स, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको भी बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया जाता है, ठीक है। कन्फ्रंटिंग का क्या मतलब हुआ, कन्फ्रंटिंग रिफर्स टू द वे इन विच अ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। मतलब कन्फ्रंटिंग का मतलब है कि कोई अगर मार्जिनलाइज ग्रुप में कोई बंदा या पूरा ग्रुप, पूरी सोसाइटी है, वो इस चीज़ को कैसे फेस कर रही है, ठीक है, वो देखेंगे। इन मैनी केसेज द मार्जिनलाइज ग्रुप आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, इन दिस केस दे फोर्स द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स दिस लॉज। मतलब क्यों वो लोग बोलते हैं कि भैया एक राइट हमारे फंडामेंटल में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब कि तुम्हारे कास्ट, धर्म, जाति और रिलीजन, और रिलीजन जाति एक ही हो गया, जेंडर, कलर, इन सब के बेसिस पे तुम्हें किसी से अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट से, और क्या कर सकते हैं, तो ऐसा बोलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में सब है तो हमें ऐसे मिलना चाहिए। द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आल्सो इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज, द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द सच एग्जांपल। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो बोलते हैं अभी जो लॉज हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप कई नए लॉ लाने चाहिए पड़ेंगे क्या, जैसा कि मैंने बोला रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लाने चाहिए कि हम उस इक्वालिटी पे, उस हमें सारी वो चीज़ें प्राप्त हो सकें जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी को होती हैं। इसके लिए आपको कोई नए लॉ तो लाने ही चाहिए, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले अनटचेबिलिटी से मतलब क्या है मेरा, जैसे मान लो कोई लोअर कास्ट का बच्चा है, लोअर कास्ट के बच्चे को अपर कास्ट मतलब नॉर्मल स्कूल में नहीं आना अलाउड नहीं था, क्यों, क्योंकि वो लोअर कास्ट का है, और अपर और जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये उनको अलग कर दिया। फिर जैसे टेंपल है, टेंपल मंदिर है, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं थी, वहाँ नहीं जाने देते, गांव है पूरा उसमें एक वेल है,
तो मान लो एक कुआं है तो उनको वहां से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो बहुत सी दिक्कतें थी पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर सोशल एंड कल्चरल जस्टिस टू मार्जिनाइज ग्रुप्स। द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड मेनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनाइज ग्रुप्स एंड मेड एफर्ट्स टू प्रमोट देम। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि सब इक्वल हैं, लेकिन लिखे हुए की क्या बात है। अब जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी और जो मानसिक सोच हो गई है इस देश की, मैं ये तो आप और मैं तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं अभी मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं उनकी सोच तो बदल सकता हूँ, जो कि बदल क्या सकता हूँ, मैं एक सुझाव दे सकता हूँ सही और गलत के बीच में, ठीक है। आप ही आने वाली जनरेशन हूँ, मैं ही आने वाली जनरेशन हूँ, हम ही लोग को ये आगे देश चलाना है, और कैसे चलाना है और हमारा चलाने वाला कौन होगा ये हम ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, ठीक। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे पहले काम नहीं किया, इन्होंने बहुत काम किए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, ये सब बहुत चीज़ें हटाई गई हैं, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गिवन टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ नेशन विच एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू हैव बीइंग अ ह्यूमन। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक राइट है, ये आपके खून में है, कि ये आपका क्या बोलते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, कि अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं तो आपकी जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर उसे कोई वॉयलेट करता है तो आपको पूरी छूट है कि आप जुडिशरी में जाके इसकी कंप्लेन करो, चाहे जो भी करो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तो है ही, हमें पता है। और ये कहाँ से इंस्पायर हुआ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ था जब बना था। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। अब देखो हमारे अगर देश में ये कोई, तुम लोग अभी सोच रहे हो भैया अब आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता होगा या जो भी है, कि अब कौन ऊंच नीच करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इस स्टेटमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा। द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस। मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता तो यहीं पे मेरी स्टेटमेंट खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे को लोगों को बताना है कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है और इंडियंस में मार्जिनलाइज ग्रुप भी आते हैं, तो मैंने लिखा है इंक्लूडिंग ऑल मार्जिनलाइज ग्रुप्स, ठीक है। आदिवासी हो गए, चाहे दलित हो गए, मुस्लिम्स हो गए, वुमेन हो गए, या अदर मार्जिनल ग्रुप्स हो गए, आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पजेस इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। अब देखा जाए तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताना। वो है रामनाथ कोविंद जी, और वो मेरे ख्याल से SC हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना है कि तुम किस कास्ट के हो, दुनिया क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, तुम्हें उस हद तक पहुंचना है जो कोई नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तुम बहुत ऊंची तक जा सकते हो, क्या बोलते हैं, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। तो तुम जितना ऊंचा पहुंच सकते हो पहुंचो, तुम्हारा कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा कि तुम किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, ठीक है। बट बाय इंसिस्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज। कौन कौन से भैया? फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम एंड दे हैव इंसिस्टेड द गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स दीज लॉज। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट को ये बताया कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, फिर उन्होंने ये बोला कि तुम्हें कोई नए लॉ बनाने चाहिए या इसी लॉ को अच्छे से, मतलब एकदम जो बोलते हैं ना कड़क तरीके से लागू करना चाहिए, वो वाली बात है, ठीक है। द स्ट्रगल्स ऑफ द मार्जिनाइज कम्युनिटीज मार्जिनाइज ग्रुप्स हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि वही बात है, मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज़ इसमें है भी कि जो मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को कि वो नए लॉ बनाए जो कि उनके हक के लिए हो, मतलब कि उनके साथ ऐसा हो कि अभी वो इनइक्वालिटी ना फेस कर सके। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। एक आर्टिकल 17 है, बोलते हैं ना धारा धारा 420 है जो भी है, वैसे ये धारा 70 है, 17 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। दिस मीन्स दैट नो वन कैन हेंस फोर्थ प्रिवेंट दलित फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स, एंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा। समझ आई बात?
मैंने तीनों के एग्जांपल तो मैं पहले ही दे चुका था। और मैं दलित दलित क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक ये लोअर कास्ट में से आता है और कोई रीज़न नहीं इसका, ठीक है। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी भैया अभी तो, किसकी आई थी, आयुष्मान खुराना की, हाँ देखना अच्छी मूवी है। हाँ लेकिन ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन इन इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के उस पर भी, कास्ट के उसके भी, सेक्स के उस पर भी, रिलीजन पे भी, कलर पे भी, जेंडर पे भी, कुछ भी, ठीक है। दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित्स टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम। आज भी दलित के साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरियस अदर प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, मतलब कि ऐसे बहुत से और भी लॉज आए हैं, मैंने भी क्या बताया आर्टिकल 17 और 15, और कुछ यही तुम्हारी बुक में है और ज़्यादा घुस के पढ़ने वाली बात नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है फिलहाल। मैं तुम्हें जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो इतने में तुम्हें अभी तक पूरे चैप्टर समझ आ गया होगा तुम्हें, जबकि मैंने पढ़ाया भी नहीं, लेकिन मैंने सारी चीज़ जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है ना, फाउंडेशन, वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। तो इसमें क्या है कि जो और भी प्रोविजंस है जिन्होंने ऐसे ही कुछ जो अलग अलग प्रथा जो चलती आ रही थी, जो कि हम बेकार ही कहेंगे और क्या कहेंगे, उनको खत्म किया है। टाइम टू टाइम द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी हैज रेज्ड देयर वॉइसेस एंड आस्क फॉर इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट, ओके। तो टाइम टाइम जैसे बढ़ता गया उन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने अपनी आवाज उठाई, मतलब पीसफुल वे में, और इन्होंने बताया कि हमें भी इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए और सेम ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो कैसे ये है, तीनों को वन 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 बॉक्स है मान लो, ठीक है, एक ये थोड़ा लंबा बच्चा, एक और थोड़ा लंबा, एक थोड़ा छोटा सा बच्चा है। अब इसको तो हम इक्वालिटी बोलेंगे भैया कि तीनों को एक ही बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन अब बात यह है कि इस बंदे को मैथ्स दिख रहा है, इस बंदे को दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा बच्चे को, तो क्या ये, तुम सोचो क्या ये इक्वालिटी है? हमारे हिसाब से क्या थी डेफिनेशन कि अगर मैथ्स देख रहे हैं तीन बंदे तो तीनों बंदों को मैथ्स दिखना चाहिए। तो इससे हमें यह समझ आता है खाली इक्वालिटी डज नॉट मीन द जस्टिस। इसका आप सेकेंड इमेज में देखो, ये बंदा इसके हेड थी तो ये देख रहा है, इसकी इसके साथ ये चढ़ सकता था तो देख रहा है, और इसको दो बॉक्सेस दे दिए तब ये देख पा रहा है। मतलब कि जस्ट इमेजिन कि अब हमने बोल दिया कि तुम सारे लोगों को इक्वालिटी है, ओके, अब सब बंदों को इक्वालिटी है, जो ऊपर अभी भी एजुकेटेड है, इकोनॉमिकली वेल कंडीशन में है, उसके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन जो पहले से ही पुअर है, जो एजुकेटेड नहीं है, अब उठ रहे हैं, उनको ये चीज़ उतनी वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी बराबरी करने के लिए हमें थोड़ा उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, जिसके कारणवश इस बच्चे को हमने एक एक्स्ट्रा बॉक्स दिया, तब जाके ये तीनों अब सेम लेवल पे आ गया, अब तीनों को मैच दिख रहा है। तो हमें इक्वालिटी के साथ 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 ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा माइनॉरिटीज या फिर मार्जिनलाइज बोल लो उन ग्रुप्स को, ताकि वो नॉर्मल हमारे देश के अदर जो दूसरे लोग हैं उनके साथ बराबरी कर सके, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, लॉज फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स। अब मार्जिनलाइज ग्रुप्स के पर्टिकुलर कौन से लॉज आए हैं, देर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज ग्रुप्स इन आवर कंट्री। द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया है इक्विटी वाला, अब वो देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग फॉर फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज। मतलब कि देखो मैंने बोला इकोनॉमिकली वेल तो नहीं है वो आज के टाइम में क्या, जब भी मान लो बराबर तो नहीं है, अब उनको हमने फ्री हॉस्टल्स या फिर सब्सिडाइज्ड हॉस्टल देने लगे, ताकि वो आके या दूसरे शहर में पढ़ें और अपना नाम ऊंचा करें, या अपनी कास्ट का या अपने देश का, कास्ट तो छोड़ दो, तुम कास्ट वास्ट ध्यान में ही मत रखो, लेकिन ऐसा हुआ है हमारी हिस्ट्री में और आज के टाइम में होता आ रहा है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं और कोई मतलब नहीं है इसका। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस, ठीक है। द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द दलित्स एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन सोसाइटी लाइक आस
where for centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills as is these sections. Government across India have their list of scheduled caste or Dalit, scheduled tribes and backward and most backward caste. The central government too has its list. The government ke paas scheduled caste, Dalit, scheduled tribes और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिस्ट हैं कि कौन कौन से कास्ट ऐसे होते हैं और कौन कौन इस ग्रुप में आते हैं. अब जो जो इस ग्रुप में आते हैं उनके पास ये सब सर्टिफिकेट्स हैं जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगी, प्रॉपर छूट जो मिलेगी जो गवर्नमेंट दे रही है, जो कि सबके लिए नहीं लेकिन इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए जो हम एक्स्ट्रा पुश की बात करते थे, ये वो चीज़ है ताकि वो इतनी फैसिलिटीज इतनी प्रिविलेज मिली है जो उन्हें उसका फ़ायदा उठाएं और कुछ तो बराबरी करें. आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, लेकिन 10, 15, 20, 25 साल में तो होगा. ठीक है. स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर दोज हु अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स. तो उन्हें कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी बात है. मान लो कोई अमीर बंदा है, उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना. अब उसके बेटे ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, मस्त खेल कूद में निकाल दिया. अब वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए या किसी के लिए भी रिजर्वेशन है कॉलेज में. अब वो क्या करेगा, अपने बेटे को बोल देगा कि भैया तुम ये शेड्यूल कास्ट का है, तुम चले जाओ, इसको रिजर्वेशन दे दो. अब तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है. उसके लिए हमने एक सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं और बनते आ रहे हैं. आज नॉर्मल SDM ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बनते हैं. अब जाहिर से बात है नकली भी बनवा लेते हैं लोग, लेकिन मेजॉरिटी लोग असली होते हैं. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये रिजर्वेशन लेनी है तो हमें उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए. ओके. तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर ऑल्सो रन बाई गवर्नमेंट्स, जो कि पर्टिकुलर कोई हाई स्कोरर है तो उसके लिए भी होता है, लेकिन कास्ट जो बैकवर्ड कास्ट या SC/ST है उनके लिए भी होते हैं. Laws related to wages, cultural rights, educational rights and the rights against exploitation have been found for marginalized groups. ठीक है. तो बहुत से rights, educational rights, ये सब rights for बने हुए हैं ताकि marginalized group के लिए, ताकि वो grow कर पाए अपने आप को. चलो अब protecting the rights of Dalits and आदिवासी, सब एक ही चीज़ है, घुमा फिरा के लिखी हुई है, परेशान मत हो, छोटा सा chapter, बहुत बड़ा chapter, घबराने वाली बात नहीं है. ठीक है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं. तो क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तुम पहले भी जानते थे, अभी जानते हो. ठीक है. आवर कंट्रीज हैज स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. फिर से वही चीज़ है, आवर कंट्री हैज स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड, मतलब हमारे कंट्रीज में ऐसे लॉज हैं जो इनको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं किससे, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से. द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट was framed in 1989 to protect Dalits and Adivasis against the domination and violence of the powerful caste. हाँ जी, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989 में जो बना था वो to protect Adivasis and Dalit के लिए against domination and violence of powerful caste. जो powerful caste, जो upper caste थी, वो उनको dominate करती थी कहीं ना कहीं, उनके protect करने के लिए इनको बना था ये. The number of assertive Dalit groups came into being asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. ठीक है, तो उनके जो so-called caste, जो क्या बोलते हैं वो रस्म वगैरह, जो भी प्रथा चलती आ रही है वो फॉलो नहीं करने दे रहा जा रहा था. मैंने बोला ना कि जो अपर कास्ट वाला वो लोअर कास्ट के छुआ हुआ पानी भी नहीं पिएगा, जो उसके ग्लास को जो उसने टच किया है वो पानी भी नहीं गया, ऐसी सोच हो गई है. तो क्यों भैया तुम सांस भी क्यों ले रहे हो, वो भी तो वही सांस ले रहा है, सांस भी मत लो, एक ही हवा में सांस भी क्यों लेना. ठीक है, तो ऐसी सोच रखनी बहुत बेकार है आज के टाइम में, आज के टाइम के हमेशा से ही. इन द 1970s एंड 1980s आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर देयर लैंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम. ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्ट आया, दिस एक्ट distinguishes several levels of crime. Okay जी, हाँ. तो it lists mode of the humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible. ठीक है, तो and action that disposes Dalits and Adivasis of their merged resources or which force them to performing slave labor. मतलब कि देखो 1917 और 1980s में आदिवासी जो लोग थे उन्होंने इक्वल राइट्स के लिए अपनी डिमांड रखी
और दे लैंड रिसोर्सेज, मतलब जो उनसे बड़े बड़े लोगों ने लैंड रिसोर्सेज छीन लिए थे, वो चाह रहे थे कि वो उनको मिल जाए। ठीक है, दिस एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स, तो क्राइम्स बढ़े घटे जो भी हुए वो सब कुछ और तुम्हारी बात की बात है। तो इसमें क्या हुआ, जो बड़े कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने ना धमकाना डराना शुरू कर दिया, ठीक है, जो छोटे कास्ट वालों को है। ठीक, बस और कुछ नहीं। क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन्स आर स्पेसिफिक काइंड आर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज हु यूज फोर्स ऑन दीज वुमेन्स, मतलब कि जो बड़ी कास्ट वाले उन्होंने इन लोग को धमका बुरा रहे थे, इनकी वुमेन्स जो हैं इस कास्ट की उनको भी धड़ा धमका रहे थे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये क्रिमिनल उसमें भी आता है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैनुअल स्क्रवेंजिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेट वाटर एक्सटीरियर यूजिंग ब्रूम्स, मतलब कि जो एक्सक्रीशन होता है वो इनसे साफ करवाया जाता था, ह्यूमन का, एनिमल का, या कोई भी, टिन प्लेट्स एंड बास्केट्स फ्रॉम ड्राइड लैटरिंस एंड कैरिंग इट ऑन द हेड ऑफ द डिस्पोजल ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे, मतलब कि पहले तो टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे तो इन्हीं लोगों से साफ करवाया जाता, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ लोअर कास्ट के लोग थे, अरे फोर्सफुली करते भी थे, इन पे पूरा दबाव था, इनके पास कोई काम ही नहीं था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हट गई। इन 1993 द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्रवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइड टॉयलेट प्रोहिबिशन एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्रवेंजर्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइड टॉयलेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा दी गई 1993 में, जो कि ये लोग 80s और 90s में फेस कर रहे थे। वी स्टिल नोटिस इंस्टेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, मतलब हम अभी भी देखते हैं। अभी क्या, पिछले हफ्ते मैंने न्यूज़ देखी कि कुछ सारा दलित था, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो अपनी शादी में जा रहा था बारात में, और उससे गलती क्या हो गई कि वो घोड़े पे जा रहा था। ये उसकी गलती थी भाई, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो घोड़े पे जा रहा था बारात में, तो दूसरे लोगों को सहन नहीं हुआ और उसको वहीं पे मार दिया, मतलब जान से नहीं, लेकिन इतना मारा कि फिर वो गया नहीं। अब इसका क्या मतलब बनता है भाई, वो घोड़े पे गए, जब घोड़े को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, जो पे करके जा रहा है तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो किस बात का ऊपर नीचे। ठीक है, मैं कोई धमका डरा बुरा तुमको कोई भड़का नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा जो माइंड सेट है वो बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा है, आज तक तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन अभी ऐसा माहौल है कि मैं जानता हूँ कि ये सब घुसेंगी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में, पहले से ये सब क्लियर रहे तो ज़्यादा सही। ठीक है, द रिसेंट डेथ्स ऑफ द सीवेज वर्कर्स पुट अ हॉरिफिक पिक्चर इन द फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक अस टू थिंक दैट इन एडवांस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू डिपेंड ऑन मैनुअल स्क्रीनिंग। ठीक है, ये एक ताना कस दिया और कुछ नहीं। ठीक है, कि जो अभी स्क्रेवेंजर सीवेज वर्कर्स की उनकी डेथ हुई है या जो भी है, तो इसमें हम क्या मानेंगे कि जो अभी इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसमें भी हमें इन जो लोग का गटर में घुस के सफाई करते हैं उन पर डिपेंड करना पड़ेगा, या उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। द SC/ST एक्ट 1989, तो इसमें भी क्या हुआ, ये वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें पिछले पढ़ाई, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था तो मैं इसको जल्दी जल्दी निपटा दे रहा हूँ, ये थोड़ा अलग से गिवन था। ठीक है, दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स डिमांड मेड ऑफ दलित्स एंड द अदर गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियस द इल ट्रीटमेंट एंड द ह्यूमिलेशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन द एवरीडे सेंस, मतलब जो इसमें वही चीज़ें थी कि इसमें क्या हुआ, जो दलित्स वगैरह ने जो थे उन्होंने डिमांड करी कि हम जो अभी फेस करें उसे सीरियसली लिया जाए और उसके खिलाफ कोई लॉ बनाया जाए। ठीक है, टू इंडिकेट टू गवर्नमेंट दैट अनटचेबिलिटी वॉज स्टिल बींग प्रैक्टिस्ड, अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत जगह प्रैक्टिस की, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ये कब का छापा हुआ था चैप्टर में तुम्हारे, और मैं आज के टाइम में भी बोल रहा हूँ, दलित ग्रुप्स डिमांडेड न्यू लॉज दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रिंगलेट पनिशमेंट फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम, मतलब उन्होंने डिमांड करी कि तुम भैया पर्टिकुलर लिख के दो कि कौन कौन से वायलेशंस लॉज के हो रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें घट रही हैं, उसके लिए हम क्या क्या पनिशमेंट दोगे। ठीक है, द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम, पूरे क्राइम्स को बांटा गया। फर्स्टली इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलेशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक हॉरिफिक एंड मोरली रिप्रेहेंसिबल, नहीं ये चीज़ यहाँ पढ़ी देखो,
इट लेट्स, हाँ ये रहा, दिस एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स, ठीक है। हाँ चलो, एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइजेस दैट क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल ह्यूमंस आर स्पेसिफिक काइंड, देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज एनीवन असॉल्ट्स और यूज्ड टू डू जो भी, ठीक है, मतलब जो उन्हें डिसऑनर करता है, जो उनके खिलाफ काम करता है, मतलब जो उनसे उनके राइट छीन रहा है, उसके खिलाफ कोई ना कोई होना चाहिए वो लॉ और पनिशमेंट। द 1989 एक्ट इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज आदिवासी रिफर टू डिफेंड देयर राइट्स टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स, मतलब उन्होंने ये चीज ऑक्यूपाई कर ली लैंड फिर से जो कि पहले भी उन्हीं की थी, लेकिन वो बीच में अपर कास्ट वाले लोगों से हड़प ली गई, अपर कास्ट वाले लोगों ने हड़प ली थी, उन पर दबाव बना के। आदिवासी ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, मतलब जो ट्राइबल्स थे वो कभी भी अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको ऐसा किया गया, उनको मतलब जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट हुई तो फॉरेस्ट काटने पड़े तो वहाँ बिल्डिंग्स बनेंगी तो फॉरेस्ट में कौन रहता, आदिवासी रहते थे, तो उन्हें वहाँ से हटाया गया, बोला गया कि जाओ तुम अब नौकरी करो, देश में रहो, घुल मिल के रहो, जो कि अच्छी भी चीज़ है वैसे खराब भी चीज़ है, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ। दिस एक्ट मेरली कन्फर्म दैट द लैंड बिलोंगिंग ऑफ द ट्राइबल्स पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाई नॉन ट्राइबल पीपल, मतलब कि जो लैंड, हाँ ये सही बात है कि जो ट्राइबल पीपल्स की जमीन है वो सिर्फ ट्राइबल ही बेच सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं बेच या खरीद सकता। आदिवासी डिमांड फॉर देयर ट्राइबल राइट्स टू प्रिजर्व देयर फॉरेस्ट राइट्स टू बी ए कंजर्वर विच दे हैड इनहेरिटेड, मतलब कि उनका ऐसा मानना है कि ट्राइबल आदिवासी ने ऐसे बोला कि जिस फॉरेस्ट को हमने बनाया, जिस फॉरेस्ट में हम रहते हैं, उसे कंजर्व करें, ये राइट्स हमें मिल जाने चाहिए। आदिवासीज ऑलवेज वांटेड टू देयर कल्चर टू प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ लिविंग शुड नॉट बी चेंज्ड एंड दे शुड हैव प्रिविलेज टू लिव देयर ओन, मतलब वो लोग चाहते हैं कि तुम जो करना है तुम करो, हम अपने फॉरेस्ट जंगल में खुश हैं, हमें इसी में खुश रहने दो। तो आप, मैंने देखो क्या बोला था शुरू में, मार्जिनलाइज दो तरीके से होता है, एक तो सोसाइटी उसको जबरदस्ती अलग कर देती है, और एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो खुद ही अलग रहता है, वो क्यों अलग रहता है, क्योंकि उसे अपने में ही खुश है भाई वो, ठीक है। तो दोनों चीज, मैं ये नहीं बोला मार्जिनलाइज हमेशा फोर्सफुली होता है, बट फॉर्मुलेटिंग एक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल एज वेल, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। चलो जी, यहीं पे आपका चैप्टर होता है समाप्त, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नोट्स बनी हुई है, और यही चीज़ है जो मैंने पढ़ाई है वही नोट्स है। तो पहले एक काम करना, तुम क्या पढ़ना है इसमें, हमने क्या क्या चीज़ें करी, इसमें देखो हमने पहले समझा मार्जिनलाइज होता क्या है, फिर तुम देखना कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन इंट्रोडक्शन में हमने, मैंने पूरा 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखवाया, वो पूरा लिख लेना। फिर क्या करना, तुम SC ST Act से 4-5 लाइनें उठा लेना, आदिवासी से 5-6 लाइनें उठा लेना, मतलब ऐसी उठाना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आए, तुम पूरा छाप के आओ, और रटना नहीं है चीज़ों को, वीडियो फिर से देखो, कोई बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाता मैं, लेकिन प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कम नहीं मिलेंगी। और थोड़ा कोशिश करना डेट वाइज, मतलब कि डेट मेंशन कर दो, डेट में से मेरा मतलब ईयर, जैसे 1990, 1989, 1993, ये सब में कुछ हुआ, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, ये सब क्या था, इन सब चीज़ों को मेंशन करोगे, बोल्ड करोगे, टीचर की नज़र इसी पे जाती है, जैसे उसने पढ़ लिया तुम्हारे आंसर में आर्टिकल 15, तो बाकी आंसर पढ़ता नहीं है, वो वहीं पर टिक मार देगा, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। और हैंडराइटिंग वगैरह थोड़ी सुधारो, धीरे 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 सुधारने से मेरा मतलब है एक और एक वर्ड के बीच में थोड़ा गैप कर दो, थोड़े छोटे लिखो बस, और कुछ नहीं करना होता हैंड राइटिंग सुधारने में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कर्सिव करो, कैलीग्राफी करो, ठीक है, बाकी तो बस तुम लोग समझदार हो, 8th क्लास में आ गए यार, बहुत अकल आ जाती है, तो बस मिलता, फिर आखिर में बस यही बोलूँगा कि लेट्स बी इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, एक ही बात याद रखो कि मैं हमेशा से एक ही बात जानता हूँ, और इज्जत जो है ना वो इंसान की नहीं होती, इंसान की औकात की होती है, बहुत बड़ी बात है, इज्जत जो है वो इंसान की नहीं होती, इंसान की औकात की होती है। बहुत बड़ा एग्जांपल, मान लो एक 50 ईयर्स ओल्ड का एक प्यून है, ठीक है, और एक 25 ईयर्स ओल्ड का ऑफिसर है, तो 50 ईयर्स ओल्ड का प्यून जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड बंदे को सैल्यूट मारता है, वो क्यों मार रहा है सैल्यूट, वो उसको सैल्यूट नहीं मार रहा है, उसकी पोस्ट को सैल्यूट मार रहा है, समझ लो बात, भले ही ऑफिस के बाहर वो 25 साल का नौजवान उस बंदे के पैर छुए, वो अपने कल्चर, उतने अपने क्या बोलेंगे उसको, उसकी जबानी नहीं आ रहा अब मेरे, वो उसके जो संस्कार है वो
उसके संस्कार उसके कैसे हैं वो देखा जाए। वैसे तो ऑफिस में भी छूना चाहिए, ठीक है। तो तुम कैसे बनते हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने दिमाग में फिल्टर लगाओ कि कौन सी अच्छी चीज़ें मुझे अपने दिमाग में रखनी है, कौन सी फालतू चीज़ें फेंकनी है। मुझे जो टॉपिक पढ़ना है वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या मेरे को अपने दिमाग में भी ये चीज़ें बैठानी है। क्यों दिया गया था हमारे टॉपिक में ये मार्जिनलाइजेशन चैप्टर क्यों दिया है, ताकि तुम समझो कि हमारे देश में दिक्कत क्या है यार, क्यों पीछे जा रहा है हमारे देश। जब 35 करोड़ वाला आबादी वाला देश इतना आगे बढ़ रहा है, हमारी तो 150 करोड़ आबादी है, ज़मीन भी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे। कुछ दिक्कतें होंगी, यूनिटी नहीं है, यूनिटी हमें ही लानी है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा लेट्स बी इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, एक ही बात याद रखो। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन वोश्चन देख लेना, कोई दिक्कत आए कमेंट करो, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ही। तो बीच में एग्जाम्स आ रहे थे इसलिए थोड़ा डिले हो गया, पूरी कोशिश रहेगी मेरी तुम लोग को टाइम देने की। तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, पीस सेफ।